हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास गेनर और वे प्रोटीन में से आपको क्या लेना चाहिए। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ भी आपका गोल है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको वे प्रोटीन और मास गेनर में से क्या लेना चाहिए, तो आज इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी क्या इम्पोर्टेंस है और आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को, ताकि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि वे प्रोटीन और मास गेनर होता क्या है और इनमें क्या चीज़ मौजूद होती है। मास गेनर में जो है प्रोटीन भी शामिल है, ये बात आप ध्यान रखें। आमतौर पर मास गेनर में 22 से 35% तक प्रोटीन होता है, जबकि प्रोटीन पाउडर में 60% से ज़्यादा प्रोटीन होता है, 60% से कम नहीं होता है। अच्छे ब्रांड्स में तो 80% तक भी प्रोटीन होता है। मास गेनर में वे प्रोटीन की तुलना में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, इसीलिए इसको मास गेनर कहा जाता है। इससे आपका वज़न बढ़ता है क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। इनमें बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं जो आपकी कैलोरी की खपत को बढ़ा देते हैं। जितनी आपकी कैलोरीज खर्च होती है, उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको मास गेनर से मिलती है। दोनों आपको मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करते हैं। अच्छे मास गेनर में लंबे समय तक ऊर्जा देने के लिए नॉन शुगर कार्बोज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छे नहीं होते हैं। ज़्यादातर मास गेनर्स में शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। मांसपेशियों के निर्माण के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है? अगर किसी व्यक्ति का आसानी से वेट नहीं बढ़ता और मांसपेशियों का निर्माण भी करना चाहता है, तो मास गेनर उसके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति धीमी गति से लाभ लेना चाहता है, मसल्स गेन करना चाहता है, फैट कम करना चाहता है, तो उसके लिए वे प्रोटीन सबसे बेस्ट है। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही अच्छी मांसपेशियाँ गेन कर ली हैं, उसके मसल्स जो हैं वो हैं, लेकिन उसका वेट ज़्यादा नहीं है और वो अपना वेट बढ़ाना चाहता है, और फैट अगर किसी में है तो फैट कम करना चाहता है, दोनों ही केसेस में उसको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। फैट कम करने के लिए मसल कैटाबॉलिज्म ना हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रोटीन। तो आप ध्यान रखें, आप वज़न घटाना चाहते हैं या आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में आपको मसल्स को बचाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्या वे प्रोटीन केवल कटिंग या मास कम करने के लिए ही उपयुक्त है? वे प्रोटीन कटिंग और बल्किंग दोनों ही पहलुओं से उचित है। अब बात आती है, बिना वर्कआउट के प्रोटीन और मास गेनर लेना सही है? प्रोटीन का उद्देश्य मसल रिकवरी और मसल टिश्यूज को रिपेयर करना होता है, ताकि मसल बड़े और मजबूत हो सकें। अगर कोई व्यक्ति वर्कआउट नहीं करता है तो उसे रिकवरी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर उसका शरीर प्रोटीन स्टोर नहीं करता है तो उसके पैसे जो हैं बर्बाद ही जाएंगे, प्रोटीन सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा। अगर वह बिना व्यायाम के कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता है और मास गेनर लेता है, तो उसके शरीर में जो है फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा। वह सप्लीमेंट खरीदने पर एक पैसा वेस्ट करने की ही बात है, क्योंकि अगर उसका फैट बढ़ जाएगा, मसल्स उसको नहीं मिलेंगी, तो वो परेशान हो जाएगा। फैट बढ़ जाएगा तो फैट कम करने के लिए परेशान रहेगा फिर। अब बात आती है कि आपको प्रोटीन कितना लेना चाहिए, यानी कि अगर आप मास गेनर ले रहे हैं या प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको प्रोटीन की मात्रा कितनी चाहिए ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को लीवर या किडनी की समस्या रही हो, और आपको भी अगर लीवर या किडनी की कोई समस्या है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर को अवश्य चेक कराएं। आमतौर पर शरीर को जितने प्रोटीन की ज़रूरत होती है उतना वो खपत कर लेता है, लेकिन जो बाकी बचता है वो नाइट्रोजन यूरिन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि शरीर के लिए लीवर और किडनी अच्छी तरह से काम करते हों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर कोई सप्लीमेंट से हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो पानी भी जो है ज़्यादा मात्रा में लें।
दोस्तों फाइनल बात यह है कि अगर आप मास गेनर लेते हैं तो आपका वजन तो बढ़ेगा ही, मांसपेशियां मिलेंगी, मसल्स मिलेगी, साथ ही साथ फैट भी मिलेगा। एक्सरसाइज आप करेंगे तो फैट कम मिलेगा, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो मसल्स जो है कम आएंगी, मतलब कि आपको प्रोटीन वेस्ट ही जाएगा और फैट तो आएगा ही आएगा, चाहे एक्सरसाइज आप करें चाहे ना करें। और वे प्रोटीन ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फैट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मसल्स गेन होंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।